Hello viewers, today we are going to start a very important question for competitive exams and for school exams. That is the third category of kingdom protista called euglenoids. So let's see the topic. Euglenoids, they are connecting link between plants and animals. So there is a very important question. Name the connecting link between plants and animals. तो plants और animals के बीच का connecting link कौन सा organism है? तो answer is euglena और euglenoids. तो बहुत important question है और ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है. और ऐसा क्यों है अभी हम ये आगे चल के डिस्कस करेंगे. तो पहले ये देखते हैं कि यूग्लिनॉइड्स को हम जनरली क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ दिस वर्ड यूग्लिनॉइड्स हैज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. देखिए हियर यू मीन्स well, यह बहुत अच्छे से established, and glean means eyeball, and eidos means form. तो ऐसे living organism जिनके अंदर eyeball like structure well established है, उन्हें क्या कहेंगे? Euglenoids. तो जिन organisms के अंदर eyeball like structure वेल एस्टैब्लिश्ड है उन्हें हम कह रहे हैं यूग्लिनॉइड्स. एंड दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड दीज यूग्लिनॉइड्स आर दे आर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यूग्लिनॉइड्स जो हैं वो यूनिसेल्यूलर हैं, यानी कि एक ही सेल से बने हैं. एंड दे हैव proper nucleus, so they are unicellular eukaryotic living organisms. Now the zoologists have placed them under class Phytomastigophora. तो starting में जो zoologist थे, जो animals की study करने वाले scientists थे, उन्होंने euglena को क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा के अंदर प्रोटोजोन्स की रख दिया था. लेकिन बाद में और आज की डेट में भी इसको एक डिवीजन यूग्लिनोफाइटा में रखा गया है. तो अब हम इसको यूग्लिनोफाइटा डिवीजन के अंदर रखते हैं. तो पहले कौन से डिवीजन में रखा था? फाइटोमेस्टिगोफोरा. तो क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा में जूलॉजिस्ट ने रखा था और अब इसको फाइलम और डिवीजन यूग्लिनोफाइटा में रख दिया गया है. एंड देयर आर अबाउट 800 to 900 स्पीशीज ऑफ यूग्लिनॉइड्स. तो 800 से 900 स्पीशी यूग्लिनॉइड्स की आज की डेट में प्रेजेंट है. तो अब तक हमने इसके बारे में क्या क्या चीजें जान ली हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसकी 800 टू 900 स्पीशीज हैं. इसको जूलॉजिस्ट ने फाइटोमेस्टिगोफोरा में रखा था और आज की डेट में इसको यूग्लिनोफाइटा के अंदर पढ़ा जाता है. एंड इट कंटेन्स अ आई बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स फोटो सेंसिटिविटी. एंड नाउ वी आर कमिंग टू इट्स हैबिटेट. तो अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये कहां पाया जाता है? इट इज जनरली फाउंड इन फ्रेश वॉटर. तो ये जनरली फ्रेश वॉटर में मिलेगा, बट कभी कभी ये मैराइन वॉटर, मॉइस्ट सॉइल और मड के अंदर भी पाया जाता है. तो आपको कहां कहां मिल सकता है? ज्यादातर फ्रेश वाटर में, मैराइन वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में और मड में. और जो स्मॉल वाटर बॉडीज होती हैं लाइक पॉन्ड, इन दैट इट कॉजेज द ब्लूम्स.
तो स्मॉल वाटर बॉडीज में ये ब्लूम्स भी कॉज करता है. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू इट्स स्ट्रक्चर. ये जो है पिगमेंटेड और कलरलेस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स या कलरलेस भी हो सकता है. एंड इट्स फर्स्ट पार्ट इज पेलिकल. तो जब हम इसको अब स्टडी कर रहे हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसको बाहर से अंदर की ओर स्टडी करते हुए आए. तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो बाहर की तरफ हमें ये बाउंड्री दिखाई दे रही है. एंड दिस बाउंड्री इज नोन एज पेलिकल. तो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ यूग्लिनॉइड्स इज नोन एज पेलिकल. एंड दिस बाउंड्री इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो पेलिकल आउटर मोस्ट बाउंड्री है जो बनी होती है मेनली प्रोटीन से, और इसके अंदर ट्रेसेस में यानी कि बहुत कम अमाउंट में लिपिड और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है. तो पेलिकल इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन बट इट ऑल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट. और ये जो बाहर की लेयर है पेलिकल है, ये टफ या रिजिड भी हो सकती है यानी कि हार्ड भी हो सकती है, जैसे कि रेप्टोमोनास में देखी जाती है. एंड इट कैन बी प्लाइएबल, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी हो सकती है, यानी कि प्लाइएबल इन नेचर है. सो ये मिलती है यूग्लिना विल्डिस में. सो इट इज प्लाइएबल इन यूग्लिना विल्डिस हुज डायग्राम यू आर सीइंग ओवर हियर. एंड इट इज रिजिड इन रेप्टोमोनास. तो यूग्लिनॉइड्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, और सेल वॉल की जगह पर क्या मिलती है, पेलिकल. सेल वॉल की जगह पर क्या मिलेगी, पेलिकल. तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जाम का कि नेम द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ यूग्लिनॉइड्स. तो आंसर विल बी पेलिकल. पेलिकल किससे बनी होती है, मेनली प्रोटीन से. और पेलिकल क्या हो सकती है, टफ और रिजिड लाइक इन रेप्टोमोनास. एंड इट कैन बी प्लाइएबल इन यूग्लिना विल्डिस. एंड नेक्स्ट पार्ट जो यहां पर मैंने डॉटेड लाइंस से शो किया है, ये जो आप रेड कलर की डॉटेड लाइंस यहां पर देख रहे हैं, दीज आर मायोनीम्स. ये भी प्रोटीन से बने माइक्रोफिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. तो प्रोटीन से बने हुए धागे इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये जो प्रोटीन से बने धागे हैं ये इसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, इसको शेप प्रोवाइड करते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और वो स्पेशल टाइप की मूवमेंट कहलाती है रिग्लिंग मूवमेंट. तो रिग्लिंग मूवमेंट में हेल्प करेंगे मायोनीम्स, और उस मूवमेंट को हम यूग्लिनॉइड मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं. तो यूग्लिनॉइड मूवमेंट और रिग्लिंग मूवमेंट और मेटाबॉली, तो तीन नाम हम यूज कर सकते हैं, रिग्लिंग मूवमेंट, मेटाबॉली, और थर्ड नेम वी कैन यूज इज यूग्लिनॉइड मूवमेंट. तो यूग्लिनॉइड टाइप ऑफ मूवमेंट, मेटाबॉली और व्रिगलिंग मूवमेंट में हेल्प करेंगे प्रोटीन से बने हुए थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड मायोनीम्स. तो सबसे बाहर आपको क्या दिखाई दिया, एक प्रोटीन से बनी हुई लेयर विच इज नोन एज पेलिकल. एंड सेकेंड थिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो दो कवरिंग्स होती हैं, पहली कवरिंग पेलिकल, दूसरी कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और उसके बाद बीच में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन से बने हुए ओब्लिक स्ट्रैंड्स कॉल्ड मायोनीम विच प्रोवाइड्स रिग्लिंग, मेटाबॉली और यूग्लिनॉइड मूवमेंट्स. नेक्स्ट पार्ट इज
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तो इसके अंदर आपको एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेगी विच परफॉर्म टू फंक्शंस, तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इज परफॉर्म्ड बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसे मेंटेन करेगी और साथ साथ इसमें एक्सक्रीशन के अंदर भी हेल्प करेगी। तो तीन पार्ट आपको बताए और इन तीनों पार्ट का फंक्शंस क्या है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड पेलिकल, देन प्रोटीन स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड मायोनीम्स विच हेल्प इन प्रोवाइडिंग मूवमेंट, नंबर थ्री पार्ट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड दिस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो तीन पार्ट और उनके फंक्शंस आपको बता दिए। और अब एक क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको कि पेलिकल किससे बनी होती है, प्रोटीन से। और भी कोई मेम्ब्रेन पाई जाती है, हाँ कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कितनी बाउंड्रीज होती है यूग्लिना के अंदर, दो बाउंड्री। कितनी बाउंड्री, दो बाउंड्री, आउटर मोस्ट बाउंड्री पेलिकल, सेकेंड नंबर पर बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद प्रोटीन से बने स्ट्रैंड्स क्या कहलाएंगे, मायोनीम्स, एंड देन देयर इज अ वैक्यूल और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल विच हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज म्यूसिलेज बॉडी। कुछ टाइप के यूग्लिनॉइड्स में यहां पर बाउंड्री पर कुछ स्पेशल बॉडीज होती हैं विच आर नोन एज म्यूसिलेज बॉडी, और ये चिपचिपा सब्सटेंस म्यूकस सिक्रीट करती है और म्यूकस की हेल्प से ये ड्राई नहीं होते। अगर म्यूकस ना होता तो यूग्लिना जो है वो ड्राई हो सकता था और डेसिकेट हो सकता था, यानी कि ड्राई होकर के कट सकता था। तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, म्यूसिलेज बॉडी। द नेक्स्ट पार्ट इज फ्लेजिला, और इसका फ्लेजिला भी काफी स्पेशल टाइप का है। यूग्लिना के अंदर दो फ्लेजिला पाए जाते हैं, वन स्मॉल एंड वन लॉन्ग, सो देयर आर टू फ्लेजिला इन केस ऑफ यूग्लिना, वन स्मॉल एंड वन लॉन्ग, एंड दीज टू फ्लेजिला आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट नोन एज पैराफ्लेजिलर बॉडी। तो यूग्लिना में कितने फ्लेजिला होते हैं, टू फ्लेजिला, वन फ्लेजिला इज रिड्यूस्ड, वन फ्लेजिला इज रिड्यूस्ड एंड सेकेंड फ्लेजिला इज लॉन्ग, एंड बोथ द फ्लेजिला आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड पैराफ्लेजिलर बॉडी। और इसके एक फ्लेजिला के ऊपर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज मेस्टिगोनीम्स, दे आर नोन एज मेस्टिगोनीम्स। तो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन फ्लेजिला आर नोन एज मेस्टिगोनीम्स, इसीलिए इस फ्लेजिला को क्या कहेंगे, स्टाइकोनिमैटिक। तो ऐसे फ्लेजिला को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज स्टाइकोनिमैटिक फ्लेजिला। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के बाद मायोनीम, मायोनीम के बाद कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, उसके बाद म्यूकस प्रोड्यूस करने वाली म्यूसिलेज बॉडी, एंड देन फ्लेजिला। फ्लेजिला कितने, दो, एक छोटा एक बड़ा। जो छोटा फ्लेजिला है वो रिड्यूस्ड है, जो बड़ा फ्लेजिला है वो मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, विच इज नोन एज फ्लेजिलर मूवमेंट। तो फ्लेजिला प्रोवाइड्स फ्लेजिलर मूवमेंट, एंड दिस लॉन्ग फ्लेजिला कंटेन्स हेयर विच आर नोन एज मेस्टिगोनीम्स, एंड दिस लॉन्ग फ्लेजिला बिकॉज इट कंटेन्स
mastigonemes, so it is called as stichonematic. And then we are coming to its chloroplast. Its chloroplast contains chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids. तो इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स नाम के पिगमेंट्स पाए जाते हैं. सो थ्री टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिनॉइड्स. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू इट्स एंटीरियर इनवेजिनेशन. अगर आप इसकी बॉडी को देखें तो इसकी बॉडी इस तरीके से अंदर की तरफ जा रही है. तो इस पार्ट को जब बॉडी अंदर की तरफ ऐसे जा रही है तो इस पार्ट को क्या कहलाया जाएगा? एंटीरियर इनवेजिनेशन, यानी कि आगे की तरफ से एक गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? एंटीरियर इनवेजिनेशन. और इस एंटीरियर इनवेजिनेशन की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? साइटोस्टोम. और ये जो साइटोसोम है इसको हम माउथ भी कह सकते हैं, जहां से ये फूड को एब्जॉर्ब करेगा. और फिर आप जो ये पार्ट देखेंगे, दिस पार्ट इज मीडियन कैनाल. दिस पार्ट इज मीडियन कैनाल एंड देन द लोअर पार्ट इज रिजर्वॉयर. तो इसका एंटीरियर इनवेजिनेशन यानी कि जो अगले हिस्से का गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. ऊपर माउथ लाइक ओपनिंग कॉल्ड साइटोसोम, देन अ थिन एरिया कॉल्ड मीडियन कैनाल एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड रिजर्वॉयर. तो ये तीन चीजें इसके एंटीरियर इनवेजिनेशन में काउंट होंगी. द नेक्स्ट पार्ट इज आई स्पॉट विच इज ऑल्सो नोन एज स्टिग्मा. आई स्पॉट और स्टिग्मा एंड इट कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड एस्टाजेंथिन. तो एस्टाजेंथिन नाम का एक ऑरेंज कलर का पिगमेंट इसको रेड कलर में दिखाई देता है, जिसको कहा जाता है आई स्पॉट. तो आंख की जैसा एक स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज स्टिग्मा और आई स्पॉट एंड दिस आई स्पॉट इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट, अ ऑरेंजिश रेड पिगमेंट कॉल्ड एस्टाजेंथिन एंड इट प्रोवाइड्स फोटोसेंसिटिविटी, यानी कि लाइट से इस पे इफेक्ट पड़ेगा. एंड द रिजर्व फूड इज पैरामाइलम. दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम कि यूग्लिनॉइड्स का जो रिजर्व फूड है वो क्या है? तो वो है पैरामाइलम एंड केमिकली इट इज बीटा 1,3 ग्लूकैन. तो बीटा 1,3 ग्लूकैन इज पैरामाइलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के लिए. एंड इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड विच इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. तो पैरामाइलम जो है ये एक टाइप का पॉलीसेक्राइड है जो कि डिफरेंट है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन से. द नेक्स्ट पार्ट इज रिप्रोडक्शन. इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही अब तक रिपोर्ट हो पाया है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इसमें करेक्टर्स होने चाहिए वो अब तक दिखाई नहीं दिए. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसकी कोई प्रूफ नहीं है, बट देयर इज अ प्रूफ ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अंडर द नॉर्मल कंडीशंस इट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन एंड अंडर एबनॉर्मल कंडीशंस इट मल्टीप्लाई विद बाय फॉर्मिंग अ सिस्ट. तो अब आपको
क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक बार इसको पूरे को समराइज कर लेते हैं और फिर इसके कुछ और पॉइंट्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या याद रखना है, बाउंड्री। तो बाउंड्री कितनी, दो। बाउंड्री कितनी, दो। आउटर मोस्ट पेलिकल, सेकेंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर क्या आएंगे, प्रोटीन से बने धागे जो इसको व्रिगलिंग मूवमेंट या मेटाबॉली प्रोवाइड करेंगे, एंड इट इज नोन एज मायोनीम। फिर चलते हैं इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पे। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कितने पर फंक्शन परफॉर्म करेगी, टू, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। फिर आ जाता है इसका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। देन वी आर कमिंग टू इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंटर में होगा और बड़े साइज का होगा। और फिर इसके अंदर जो रिजर्व फूड है दैट इज पैरामाइलम और पैरामाइलम ग्रैन्यूल्स, जो ग्रैन्यूलर फॉर्म में रहता है, एंड केमिकली इट इज बीटा 1,3 ग्लूकॉन, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। फ्लैजिला कितने, दो, और फ्लैजिला एक रिड्यूस्ड और एक लॉन्ग। लॉन्ग फ्लैजिला पे क्या मिलेंगे, हेयर्स विच आर नोन एज मेस्टिगोनीम्स, और फ्लैजिला को क्या नाम देंगे, स्टाइकोनिमैटिक। तो ये सब आपको याद रखना है इसकी बॉडी और स्ट्रक्चर में। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअली। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, एसेक्सुअली, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, आइदर बाय बाइनरी फिजन और बाय सिस्ट फॉर्मेशन। तो नॉर्मल कंडीशन में बाइनरी फिजन और एबनॉर्मल कंडीशन में सिस्ट बन जाती है, यानी कि एक थिक वॉल बन जाती है, और फिर इसके अंदर मल्टीपल सेल्स जनरेट हो सकते हैं। तो ये याद रखेंगे इसके रिप्रोडक्शन में। और अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि इट इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है और क्लोरोप्लास्ट है, तो ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस। तो जब कंडीशंस एप्रोप्रिएट होती हैं, यानी कि प्रॉपर लाइट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इसको बाहर से मिलते हैं, तो तब ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। तो जब इसको प्रॉपर लाइट मिलेगी, वाटर मिलेगा और साथ में गैसेस मिलेंगी, तो ये क्या कर लेगा, फोटोसिंथेसिस, एंड इट विल डू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये करैक्टर किसका होता है, प्लांट्स का। और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटरोट्रॉफिक। और जब इसको प्रॉपर लाइट वगैरह नहीं मिलती है तो ये क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे एंजाइम्स रिलीज करके उस पर फीड करता है। तो तब इसको हम क्या कहते हैं कि ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है। सो इट इज शोइंग बोथ टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज प्लांट लाइक कैरेक्टर बाय परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस एंड हैविंग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन व्हिच इज अ एनिमल लाइक कैरेक्टर। सो इट इज हैविंग मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो इट इज कंसीडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके कुछ करेक्टर प्लांट से रिजेंबल करते हैं और कुछ करेक्टर्स एनिमल से, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।